कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पहल होने लगी है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जिन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी लिखी है। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट के कायाकल्प के लिए 5 सुझाव दिए गए हैं। अगर इन सुझावों पर अमल होगा तो दरभंगा एयरपोर्ट जल्द ही विश्व के मानचित्र पर आ जाएगा। मिथे दिल दरभंगा को मिले सौगात, एयरपोर्ट को घोषित किया जाए इंटरनेशनल, काठमांडू और दुबई के लिए शुरू हो फ्लाइट। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान का सपना साकार हुआ तो यहां से उड़ान भरने वालों की लाइन लग गई। एक महीने में ही एयरपोर्ट से 30,000 लोगों ने यात्रा कर ली, जिससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में यहाँ से यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट, आपको पता है कि उड़ान स्कीम में एक महीना में 30,000 लोग वहाँ पर आए हैं, और जितना उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट देश में बना है उसमें अव्वल नंबर में ये एयरपोर्ट इमर्ज करता जा रहा है। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस पत्र का हवाला भी दे रहे हैं जो उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा है, जिसमे दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर 5 मांगे की गयी है। एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखा जाए, एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के अलावा अन्य एयरलाइंस के विमान चलें, एयरपोर्ट के स्थायी टर्मिनल के लिए 31 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के रूप में विकसित करें, एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग और कोहरे में लैंडिंग की सुविधा हो, एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को और ऊँचा किया जाए। जेडीयू के नेता संजय झा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सुझावों पर केंद्र सरकार की ओर से जल्द पहल की जाएगी। 5-6 चीज का डिमांड किया है। एक तो हम लोगों के सबसे बड़े कवि कोविल विद्यापति जी थे, और जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था मुख्यमंत्री जी ने भी डिमांड रखा था, घोषणा हुआ था, तो ये कहा है कि उस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति जी के एयरपोर्ट पर करके और उसको नोटिफाई कर दिया जाए और एयरपोर्ट पर लिखवा दिया जाए इस चीज को। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में जितने भी एयरपोर्ट शुरू किए गए हैं यात्रियों की संख्या में दरभंगा एयरपोर्ट उनमें अव्वल है। अभी यहां से सिर्फ एक ही एयरलाइन के विमान उड़ रहे हैं। अगर अन्य एयरलाइंस को इजाजत मिली तो आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट की गिनती देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट में होने लगेगी, क्योंकि यहां से मिथिलांचल के साथ सीमांचल, तिरहुत और नेपाल तक के लिए हवाई यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी।